Chapter 15 Light. This is the second video of this chapter. In the previous video, we were discussing about the reflection of light. We said that the change of direction by a mirror is called reflection of light. Now let us prove this with the help of an activity. That is activity 15.1. Take a torch, cover its glass with a chart paper which has three slits as shown in the diagram. Spread a sheet of chart paper on a smooth wooden board. Fix a plain mirror strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slits. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now, adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. Activity 15.1 perform करने के लिए सबसे पहले आपको एक torch लेनी है और एक wooden board लेना है. उसके बाद आपको टॉर्च का जो ग्लास है उस पर तीन पेपर स्ट्रिप्स लगानी है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो 1, 2, 3 वो पेपर स्ट्रिप्स हैं. उसके बाद जो आपका वुडन ब्लॉक है उसके फ्रंट पर भी आपको एक पेपर पेस्ट करना है और उस पेपर के ऊपर वर्टिकल पोजीशन में एक मिरर लगाना है. ये सब करने के बाद ये आपका पूरा सेटअप हो गया है. इसके बाद जो टॉर्च है आपके पास जिस पर तीन पेपर स्ट्रिप्स लगाए हैं आपने, उससे लाइट रिफ्लेक्ट करनी है मिरर पर. मतलब टॉर्च जला देना ऐसे कि मिरर तक लाइट जाए. जब लाइट उस मिरर पर पड़ेगी तो आप ऑब्जर्व करोगे कि मिरर जो है उसने लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया है. तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि लाइट जो होती है वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है. लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर. नेक्स्ट हमारी है एक्टिविटी 15.2, जिसमें हम ये देखेंगे कि मिरर्स पर इमेजेस कैसे फॉर्म होती है. एक्टिविटी 15.2. Place a lighted candle in front of a plain mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. एक्टिविटी 15.2 परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले एक मिरर लेना है, प्लेन मिरर, और फिर एक कैंडल लेनी है. मिरर के सामने आपको कैंडल रखनी है और उस कैंडल को लाइट करना है, मतलब उसका फ्लेम जलाना है. जब आप वो जला दोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एक सेम कैंडल उस मिरर पे फॉर्म हुई है और वो दिखने में ऐसा दिखेगा आपको कि उस मिरर के पीछे सेम कैंडल रखी हुई है. वो कैंडल सिर्फ दिखने में ऐसे लगेगी, वो एक्चुअली में रखी हुई नहीं है. वहाँ पर आपने सिर्फ एक कैंडल रखी है मिरर के सामने और जो दूसरी कैंडल आपको दिख रही है वो एक्चुअल में एक इमेज है जो कि मिरर ने बनाई है. जो कैंडल आपने रखी है वो अपने आप में ही एक ऑब्जेक्ट है. सो दैट कैंडल विच इज अपियरिंग बिहाइंड द ऑब्जेक्टेड कैंडल इज एक्चुअली द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर. ये तो हो गया कि मिरर पर इमेज कैसे फॉर्म होती है. अब अगर आप इस कैंडल को एक जगह से दूसरी जगह रखोगे, अगर आपने लेफ्ट साइड रखी थोड़ा सा खिसका कर या राइट साइड रखी, तो इमेज जो बनेगी वो भी उसके बिल्कुल सामने बनेगी. ऐसा नहीं है कि कैंडल आपने लेफ्ट साइड रखी और इमेज राइट साइड बन रही है.
या कैंडल राइट साइड रखी और इमेज लेफ्ट साइड बन रही है, नो, जिस तरफ आपने कैंडल रखी है उसके बिल्कुल सामने इमेज फॉर्म होगी मिरर में। ये जो इमेज हमारी मिरर के सामने फॉर्म हुई है वो होती है इरेक्ट इमेज, और ये सेम साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 15.3। इस एक्टिविटी में हम ये समझेंगे कि किसी भी प्लेन मिरर पर इमेज कैसे लोकेट होती है। टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 दैट इज 8x8 स्क्वेयर्स ऑफ इक्वल साइज। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। Place any small object such as a pencil sharpener at a boundary of the third square containing from the mirror. Note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. Again, note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? Activity 15.3 perform करने के लिए आपको एक चेस बोर्ड लेना है। अगर आपके पास चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप एक बड़ा पेपर लेना और उसको 64 कॉलम्स उस पर ड्रॉ करना, 8 हॉरिजॉन्टली और 8 वर्टिकली। जब आप 64 कॉलम्स बना लोगे जैसे आपने बोर्ड पर देखा डायग्राम में, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना। शीट पर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक मिरर प्लेस करना है वर्टिकल पोजीशन में उस लाइन के बिल्कुल सामने। जब आप ये सेटअप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा सा उस चेस बोर्ड या फिर आपकी पेपर शीट पर आपको रखना है। आपको ध्यान रखना है कि वो ऑब्जेक्ट आप थर्ड नंबर की बाउंड्री पर रखो। जब आप मिरर में उस ऑब्जेक्ट की इमेज देखोगे तो आप ये देखोगे कि वो बिल्कुल उसके सामने बनी है। अगर आप यही ऑब्जेक्ट शिफ्ट करके फोर्थ नंबर की बाउंड्री पर रख दो तो इमेज भी उसके सामने ही बनेगी। ये तो हो गई पोजीशन की बात। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो आप ये देखोगे इस एक्टिविटी को करने के बाद कि जिस डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट चेस बोर्ड या फिर पेपर शीट पर था उसी डिस्टेंस और उसी दूरी पर वो मिरर में भी इमेज फॉर्म हुई है। मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स, मिरर इमेज का और रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होगा। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। प्रीवियस एक्टिविटी से हमको ये पता चला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने रखा जाता है तो उसकी इरेक्ट इमेज बनती है। इस एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि वो इरेक्ट इमेज जो बनती है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है मिरर के पीछे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उससे हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई इमेज मिरर पर बनती है तो वो लेफ्ट में बनती है, राइट में बनती है या फिर ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड बनती है।